व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर सबका हमारे इस चैनल में। दुनिया भर में डेली ना जाने कितनी घटनाएं होती हैं, ना जाने कितने ऐसे डरावने हादसे होते हैं जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और मैं दावा करता हूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें से बहुत सी वीडियो ऐसी है जो आपको चौंका देंगी, बहुत सी वीडियो ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और टाइप की हॉरर, मिस्टीरियस और हॉन्टेड वीडियोस पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लड़की अपना खुद का ही शूट कर रही है, लेकिन उसी वक्त अगर आप ध्यान देंगे तो पीछे दरवाजे पर यानी कि पर्दे के पीछे ऐसा लगता है मानो कोई खड़ा हुआ है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि उस पर्दे के अंदर हाथों की आकृतियां बनती हुई नजर आती हैं। ऐसा लगता है मानो वो किसी के हाथ थे, पर जब लड़की वहां जाती है तो वहां पर एक्चुअल में कोई नहीं होता। So for today's drink, यहाँ पर अभी अभी जो हमने देखा वो देखने में बहुत ज्यादा अविश्वसनीय नजर आता है। आपको क्या लगता है ये क्या चीज हो सकती है, आप कमेंट में बता सकते हैं। अब ये जो घटना हम देखने वाले हैं ये दरअसल एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा ने एक काली कलर की परछाई को कैप्चर किया है, जबकि रात का वक्त था और वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो भला आखिर ये परछाई किस चीज की हो सकती है? क्या आपको लगता है कि ये जो जगह है वो हॉन्टेड है, भूता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर एक महिला ने रात में देखा कि सामने वाला जो घर है उसके ऊपर कोई अजीबोगरीब क्रिएचर चलता हुआ नजर आ रहा है जो कि देखने में किसी इंसान की तरह लगता है। हालांकि जब सुबह उठकर इन्होंने उन सामने वाले पड़ोसियों से ही कंफर्म किया कि आपके घर के ऊपर कोई चढ़ा था, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे घर का कोई भी मेम्बर रात के टाइम छत पर नहीं चढ़ा हुआ था। तो क्या ये कोई ह्यूमनॉइड क्रिएचर था या फिर ये कोई भूत प्रेत का मामला था? एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है। यहां पर यह जो वीडियो है दरअसल ये एक जंगल का वीडियो है। यह बंदा जंगल में एक्सप्लोर करने गया हुआ था, तभी वो बताता है कि जंगल में से मुझे कुछ ऐसी डरावने आवाजें आ रही थी जिसे सुनने के बाद वहीं पर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। आइए हम भी सुनते हैं इन आवाजों को, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर यह बंदा घोस्ट हंटिंग के लिए यानी कि भूतों की तलाश के लिए एक सुनसान पड़े हुए जगह पर आया हुआ है और यहाँ पर इसे भूत नजर भी आता है। ये बताता है कि इस जगह पर जहाँ पर ऑफिस हुआ करता था उसकी टेबल के पीछे ऐसा लगता है मानो एक छोटे बच्चे का भूत छुप कर बैठा हुआ है। Oh, ice creams. It's all there. So I've seen some sort of light. I've seen a white thing. So I've seen some sort of light. I've seen a white thing. But so I've seen some sort of light. I've seen a white thing. Guys, I think we've found it. There's a wee
gift shop here. यहाँ पर ये औरत अपने दिन भर की दिनचर्या को कैमरा में कैप्चर कर रही होती है, कैमरा से बातें कर रही होती है। तभी अचानक से आप ध्यान देंगे कि उसके पीछे का जो दरवाजा है वो अपने आप ही बंद हो जाता है। So, since you like to slam doors in this house, do you think you could do it now? No way. ये बंदा बताता है कि पिछले 3 रातों से मेरे घर में चमकती हुई आंखें दिखाई पड़ रही हैं। तो आज क्यों ना मैं इसे कैमरा में कैप्चर कर लूं, और आप देख सकते हैं हमें साफ साफ चमकती हुई आंखें भी दिखाई दे रही हैं। साथ में ये भी बताता है कि जब से हमारा कुत्ता मरा है हमने घर में कोई और जानवर नहीं पाला है। ये एक मॉल का सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। फुटेज तब का है जबकि मॉल बंद हो चुका था, यानी कि सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। तभी रात में अचानक से एक सफेद कलर का ऐसा धुआं जाता हुआ दिखा, जिस पर यह शक जताया गया कि यह कोई भूत प्रेत हो सकता है। यहाँ पर एक महिला अपने कुत्ते को कुछ खिला रही थी और उसका वो शूट भी कर रही थी। तभी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पीछे एक परछाई जाती हुई नजर आती है, और ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी इंसान के सर का शेप बन रहा हो। इसे आपको बहुत बारीकी से देखना होगा, अदरवाइज आप इस चीज को मिस भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।